हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कैरियर विजन में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे हर जॉब के बारे में जो स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे जॉब है जो 10वीं पास से लेके तो ग्रेजुएशन तक है। और आज के वीडियो में मैं ज्यादा एक्सपीरियंस वाला जॉब लाया नहीं, जो 1-2-3 साल के एक्सपीरियंस वाले फ्रेशर है वो जॉब ज्यादा है। ऊपर से हम लोग ये भी बात करेंगे कौन सी जॉब के लिए किस तरह से प्रिपरेशन करना है ताकि आप जब इंटरव्यू देने जाए तो आपको दिक्कत ना हो। हर एक जॉब के बारे में मैं डिटेल जानकारी भी दिया करूंगा थोड़ी थोड़ी, और कैसे इंटरव्यू में सिलेक्ट कर होना है आपको वो भी बताऊंगा। और चलिए, आप अगर अभी तक जुड़े नहीं है हमारे चैनल से तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप तुरंत जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि इस तरह के अच्छे अच्छे वीडियोस मैं हमेशा आपके पास लाते रहूंगा। और मैं वही वीडियो लाता हूँ जो मुझे लगता है कि जेन्युइन हो सकते हैं। यहाँ पे पूरी डिटेल्स मिलेगी आपको हर जॉब के बारे में। सो चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला जॉब। दोस्तों ये जो जॉब है ये रतन शाह सहकारी बैंक लिमिटेड में है, और पहले हम लोग बात करेंगे कि सोलापुर कोल्हापुर रीजन की, और ये है सोलापुर रीजन में। इसमें क्या है कि कार्यकारी संचालक एमडी, एमडी के लोग तो ये जॉब देखेंगे नहीं सर वैसे, तो हम लोग लेके आए जूनियर ऑफिसर के लिए। जूनियर ऑफिसर के लिए 3 पोजीशन है जिसमें बीकॉम, एमकॉम, और आपको कोई भी बैंक अगर फील्ड में आपने अगर कुछ एग्जाम पास किया, कुछ नॉलेज है, तो आप यहाँ पे जूनियर ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और कम से कम उसके लिए आपको 2-3 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। आपको 8 दिन के अंदर अप्लाई करना है, और ईमेल आईडी है HORSSBank.in HO@RSSBank.in, ये इसका ईमेल आईडी, जिसमें 8 दिन के अंदर आपको अप्लाई करना है। जो बैंकिंग सेक्टर का है, मान लीजिए सोलापुर में नहीं रहते, कोई आजू बाजू में रहते लेकिन वो चाहते यहाँ पे अप्लाई करना, तो आप अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये काफी पुरानी बैंक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दोस्तों, ये वैकेंसी अनाउंसमेंट आई है सेफ गार्ड्स एंड फैसिलिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड कोल्हापुर की तरफ से। अब इनको चाहिए ऑपरेशन मैनेजर, ऑपरेशन मैनेजर की एक पोस्ट है। बहुत सारे मेरे पास कमेंट आते हैं कि सर एक सर्विस मैन के लिए जॉब आता है, तो एक सर्विस मैन के लिए जॉब यहाँ पे आए हुए हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अकाउंटेंट चाहिए, एचआर चाहिए, एचआर एग्जीक्यूटिव चाहिए, उसके लिए ग्रेजुएट चाहिए, मिनिमम 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। फील्ड ऑफिसर के लिए ग्रेजुएट के साथ में एक सर्विस मैन चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। डाटा लिंक ऑफिसर चाहिए, साइट इंजीनियर चाहिए बी सिविल जिसको 5 साल का एक्सपीरियंस है, रेवेन्यू ऑफिसर चाहिए जो नायब तहसीलदार और उसके अब का काम किया हो। ये 4 पोस्ट है। अब होता क्या, ऑपरेशन मैनेजर क्या करेगा कि जो उसका जहाज अभी सिक्योरिटी एजेंसीज है या जिस इंडस्ट्रीज में है वहाँ जाएगा, वो देखेगा कि ठीक से चल रहा है नहीं चल रहा है, अपने सिक्योरिटी का बिजनेस हो रहा है नहीं हो रहा है, ये ऑपरेशन मैनेजर का काम रहेगा। टीम कैसा काम कर रही है ये उसको ध्यान रखना पड़ेगा, पेमेंट स्ट्रक्चर का ध्यान रखना पड़ेगा, ये होता है ऑपरेशन मैनेजर का काम। आपको इस लेवल का अगर जानकारी है तो आपको वहाँ जाने में फायदा है। अकाउंटिंग का बदलने की जरूरत नहीं, उनको टैली के साथ में जो नॉलेज है अकाउंटिंग का वो आना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट आपको आना चाहिए, ठीक है, जो भी सैलरी का पोस्टिंग वो आना चाहिए। फील्ड ऑफिसर का काम रहेगा एक सर्विस मैन का कि जहाँ जाए इनका है वहाँ प्राइवेट सिक्योरिटी को देखना, गार्ड लोग उनके बराबर काम करते नहीं करते, जिस फॉर्म में इनका सर्विस है वहाँ सर्विस बराबर हो रही नहीं वो उसका काम है। साइट इंजीनियर का, कस्टमर का, रेवेन्यू ऑफिसर का उस हिसाब से काम रहेगा। आपको अप्लाई करना है unique safeguards@gmail.com। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दोस्तों, ये है सेमी इंग्लिश मीडियम स्कूल, प्राइमरी टीचर चाहिए। प्राइमरी टीचर वो होते हैं जो 1st से लेके 4th तक पढ़ा सकते हैं, वो असिस्टेंट टीचर जो उनको हेल्प कर सके, बीए, बीएम, बीएमएड, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, संस्कृत चाहिए। ड्राइंग टीचर चाहिए, एनसीसी टीचर चाहिए, एक्स मिलिट्री मैन यहाँ पे प्रेफरेबल है, लाइब्रेरियन चाहिए, हाउस टीचर चाहिए, बैचलर, बीएससी, बीए, एमए। अब बाकी जो टीचर्स है, हाउस टीचर अगर हम लोग छोड़ते हैं, असिस्टेंट टीचर, प्राइमरी टीचर, इसमें डीएड या बीएड होना जरूरी है, मॉन्टेसरी उन्होंने बोला है प्राइमरी टीचर के लिए। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ाने जाते हो, जैसा असिस्टेंट टीचर के लिए यहाँ लिखे एमएससी, बीएससी, बीएड, साइंस मैथ्स, तो आपका बीएड में मैथ होना जरूरी है, बीएड में साइंस होना जरूरी है। आपने नहीं किया है, मान लीजिए आप अगर इंग्लिश टीचर के लिए जा रहे हैं और आपने मराठी और हिंदी किया है, तो आप उसमें ना जाए क्योंकि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ अगर आपका सिलेक्शन होगा तो तभी होगा जब आपका उसमें बीएड है। बीएड में मेथड होता है, मेथड में अगर सब्जेक्ट तो बेस्ट है। सो जो भी टीचिंग के लिए इंस्टीट्यूट है वो सुएस गुरुकुल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, सोलापुर में suesgurukul@gmail.com में आपको रिज्यूम भेजनी है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दोस्तों, गोकुल शुगर इंडस्ट्रीज, और गोकुल शुगर इंडस्ट्रीज में डायरेक्ट आपको जाना है इंटरव्यू के लिए 5-10 को, मतलब 5 अक्टूबर को। ईडीपी मैनेजर चाहिए यहाँ पे, जिसका बीएससी कंप्यूटर साइंस और पीसी और बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन वो भी जा सकता है। सो यहाँ पे एक सीट है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे WTP इंचार्ज, इसके लिए बीई केमिकल चाहिए, बीएससी चाहिए केमिस्ट्री में क्योंकि ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट रिलेटेड होगा। फिर WT केमी चाहिए, बीई केमिस्ट्री, WT ऑपरेटर भी चाहिए, सुरक्षा अधिकारी चाहिए, एक सर्विसमैन। सुरक्षा अधिकारी जो होता है सेफ्टी ऑफिसर,
आने जाने वालों का ध्यान रखे, लेबर आ रहे जा रहे उनका नोटिंग करे, गार्ड नोटिंग करते, लेकिन इसका अधिकारी का ध्यान रहे तो ऑफिसर का कि सिक्योरिटी अपना डिसिप्लिन में चले, वो नॉलेज हो। एक्स सर्विसमैन को प्रेफरेबल दिया जाता है इस पोस्ट के लिए हमेशा, तो यहाँ पे भी वही रहेगा, जो एक्स सर्विसमैन वो यहाँ पे अप्लाई जरूर करे। फिर उसके बाद क्रेन यार्ड शिफ्ट सुपरवाइजर चाहिए, इसके लिए कोई भी इसका ग्रेजुएशन चाहिए, चाहे आप BSc हो, BCom हो, BA हो, एग्रीकल्चर हो, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। काटा क्लर्क, काटा क्लर्क मतलब क्या होता है कि जो गाड़ी आती है सो उसका वो वजन काटा करना पड़ता है, जो भर के उसका इंफॉर्मेशन, अगर आपका थोड़ा सा कंप्यूटर का नॉलेज है तो आप यहाँ पे जा सकते हो। आपका मैथ्स थोड़ा सा ठीक ठाक चाहिए, डेपोन चेकर चाहिए, फिर नंबर टेकर चाहिए जो नंबर ले सकते हैं, गवान मेट चाहिए, फिर बैलगाड़ी फिटर भी चाहिए, ITI फिटर अगर आपका है। आप यहाँ पे डायरेक्ट इंटरव्यू पे जा सकते हो सवेरे 10 बजे मंगलवार 5 अक्टूबर को, और ये है सोलापुर में, जैसा मैंने कहा गोकुल शुगर इंडस्ट्रीज। दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फिर से स्कूलिंग की तरफ आते हैं, ये है ज्ञानदीप इंग्लिश मीडियम स्कूल, ये नेपाल मेहा साकोरे में है, और यहाँ पे चाहिए प्रिंसिपल, इंग्लिश टीचर चाहिए, 4 पोस्ट है, मैथ्स टीचर चाहिए, साइंस टीचर चाहिए, KG टीचर मतलब किंडर गार्डन टीचर जो नर्सरी KG उन KG को पढ़ा सके, ड्राइवर चाहिए, ये लोकल कैंडिडेट चाहिए ड्राइवर, क्योंकि वहाँ के उसको रूट पता होता है, एरिया पता होता है, तो वो ड्राइवर लोकल ही मांगते हैं, और ये पूरा जो है नासिक डिस्ट्रिक्ट में है नेपाल। सो जो भी वहां अप्लाई करना चाहते हो DSschool121@gmail.com जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पे आप अप्लाई जरूर करें ये ईमेल के द्वारा। जो प्रिंसिपल पोस्ट के लिए तो मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस है, आपको एडमिन और एकेडमिक का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, इंग्लिश टीचर के लिए आपको 4 पोस्ट है, MA BEd इंग्लिश का मेथड होना चाहिए, चाहे SST आप साथ में आपका तो बेस्ट है, मैथ्स टीचर के लिए सेम क्वालिफिकेशन है, साइंस टीचर के लिए आप अगर नहीं जाना है तो कोई आपकी जान पहचान के तो आप जरूर उनको रेफर करें, जब शेयर करें। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फिर से नासिक रीजन के लिए, और इसमें TGT टीचर्स के लिए रिक्वायरमेंट आई है नासिक कैम्ब्रिज स्कूल में, काफी अच्छा स्कूल है, HRNasikCambridge@gmail.com पे आप रिज्यूम भेज सकते हैं अगर आपका MA BEd है तो, ठीक है, CBSE और ICSE स्कूल के लिए। दोस्तों उसका प्लास्टोकेम प्राइवेट लिमिटेड है, पास्टोकेम प्राइवेट लिमिटेड ये नासिक में है, और नासिक में आपको अप्लाई करना है तो आप अप्लाई कर सकते हैं केमिकल इंजीनियर में, 3-4 साल का अगर एक्सपीरियंस है आपको केमिकल इंजीनियर का तो आप जरूर अप्लाई करें। सीनियर केमिस्ट चाहिए, एनालिटिकल टेस्टिंग करना पड़ता है हर ड्रग्स का या फिर जो भी है उस चीज़ का जो फार्मास्यूटिकल रिलेटेड हो। फिर सीनियर अकाउंटेंट चाहिए, 10 साल का एक्सपीरियंस वाला आपको। info@ESPplastochem.com, मान लीजिए आप नासिक के नहीं, नासिक के आजू बाजू के, लेकिन आपके हिसाब से अगर आप केमिकल इंजीनियर, आपको ये चीज अनुभव है तो आप जरूर अप्लाई करें, क्योंकि आप जहां पे अप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए आप पोस्ट है तो खाली रहने से अच्छा है कि जहां पोस्ट है वहां पे अप्लाई करें भाई, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस काउंट हो, नहीं तो हम लोग क्या सोचते हैं मैं यहाँ पे हूँ जॉब कहीं और है तो नहीं जाऊंगा, लेकिन इससे आपका दिन चले जाएगा लेकिन आपको जॉब नहीं मिलेगा। सो जहां पे जगह खाली है वहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दोस्तों, ये कैरियर अपॉर्चुनिटीज आई हुई है फाइनेंस कंट्रोलर के लिए, ठीक है, और ये भी नासिक सिटी में एक रेपुटेड एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे ऑफिस सुपरिटेंडेंट चाहिए, 2 पोस्ट है, 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है, अगर आप तो आप यहाँ पे ऑफिस सुपरिटेंडेंट के लिए जा सकते हैं। आप यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक्सपीरियंस ऑफ हेडिंग द क्लरिकल स्टाफ फंक्शन ऑफ एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, अगर आप टीम हैंडलिंग कर सकते हो अच्छी खासी तो आप यहाँ पे आप ये कर सकते हो, आपको अकाउंटिंग देखना है, एडमिशन देखना है, आपको ITI देखना है, आपको ट्रांसपोर्ट देखना है, आपको पेरेंट्स प्रॉब्लम देखना है, आपको सिक्योरिटी देखना है, आपको कैंटीन देखना है, स्कूल लेवल इंडस्ट्री में अगर आपने काम किया तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। फिर HR एग्जीक्यूटिव चाहिए, HR एग्जीक्यूटिव मेल कैंडिडेट चाहिए जिसको 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस हो, ठीक है, वो सर्विस मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री में काम किया तो वो अप्लाई कर सकता है। हॉस्टल सुपरिटेंडेंट चाहिए, इनका हॉस्टल होगा वहाँ पे इनको हॉस्टल सुपरिटेंडेंट चाहिए जिसको पास इस रेजिडेंशियल स्कूल का अगर अनुभव है। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, अकाउंट ऑफिसर, अकाउंटेंट, स्टेट मैनेजर, ये सभी के लिए वहाँ पे 7 पे के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। एड्रेस दिया हुआ है शरणपुर त्रिंबक लिंक रोड कैनेडा कॉर्नर नासिक का, और ईमेल आईडी है promojoshi8050@gmail.com। यहाँ पे आप अगर स्कूल लेवल में काम करना चाहते हो, स्कूल लेवल में काम करना बहुत आनंद आता है, स्कूल लेवल में काम करना चाहते हो, स्टेट मैनेजर को उसका बिल्डिंग मेंटेनेंस का ध्यान रखना पड़ता है, प्लम्बिंग इश्यूज मतलब जो भी मेंटेनेंस की इश्यूज है, स्टेट मैनेजर अगर आप अगर अप्लाई करना चाहते हो तो आपको ये सब चीज़ों का नॉलेज चाहिए। अकाउंट के लिए सेम, अकाउंटेंट के लिए फीस कलेक्शन का ये रहता है, फीस कलेक्शन आनी चाहिए उसके ऊपर, उसका बैंक ट्रांजेक्शन उसको अकाउंटेंट के लिए। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को IT रिलेटेड जितने भी काम है स्कूल के लिए, चाहे वो
स्मार्ट बोर्ड हो उसका नॉलेज उसको आना चाहिए, वेब कैमरा जो उसका नॉलेज उसको आना चाहिए, अभी ऑनलाइन प्रोग्राम चल रहे हैं उसका नॉलेज उसको आना चाहिए, ये सब चीजें हैं तो वो उसके लिए अप्लाई कर सकता है। मतलब हर चीज चीज के लिए आपको सुटेबल थोड़ा सा नॉलेज है तो आप जरूर उसमें अप्लाई कर लीजिए, बेस्ट आपको जॉब मिलने के चांस ज्यादा से ज्यादा रहते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दोस्तों, ये है सॉफ्टक्राउड टेक्नोलॉजीज नासिक, इसमें जावा ट्रेनर चाहिए। जावा ट्रेनर एक प्रकार का प्रोग्राम होता है जो सॉफ्टवेयर रिलेटेड लोग हैं उनको समझ में आ जाएगा, एंड्रॉइड डेवलपर भी चाहिए 1 साल का एक्सपीरियंस वाला। आपको ये नासिक में, मैं बता रहा हूँ अभी नासिक में अप्लाई करना है, softcrowvoltaic@gmail.com। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ये वेब डेवलपर के लिए, साथ ही साथ टेलीकॉलर भी चाहिए यहाँ पे, सॉफ्टवेयर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव भी चाहिए, इनका भी रिक्वायरमेंट आया है और ये भी है नासिक के लिए। आपको email@eajy.co.in में आपको रिज्यूम भेजना है। दोस्तों लोकमत ग्रुप है पंजी में, वो तो हर जगह है पूरे महाराष्ट्र में, लेकिन पंजी में जो जगह निकले वो HRM एडमिन के निकले, जूनियर एग्जीक्यूटिव HRM एडमिन चाहिए। आपका MBA अगर हुआ है 1-2 साल का अगर आपको अनुभव है तो आप यहाँ पे जरूर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे विजन फाइनल सर्विसेज है और ये अहमदनगर में है और यहाँ पे चाहिए टेलीकॉलर, 4 जगह है, सेल्स एग्जीक्यूटिव चाहिए, 5 सीट्स है और इसके लिए 12 पास आप अप्लाई कर सकते हो। टेलीकॉलर के लिए आपका कॉलिंग अच्छा चाहिए, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात कर सकते हो, उसको कन्विंस कर सकते हो, आप जितना भी लीड्स देते कंपनी वो अगर उसको आप अच्छे इसमें पॉजिटिव वे में ला सकते हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपने बोले 2-4 कॉल करोगे फिर थक जाओगे, क्योंकि आप जिन जहाँ पे कॉल करते हो सकता है वो अच्छे अच्छे से बात नहीं करें, यही मैंने कहा कि आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा, सो ये आप कर सकते हो। सेल्स एग्जीक्यूटिव वही है कि आपको आपका सामान आपकी इच्छा आप उसको बेच सकते हो, सेल कर सकते हो कोई भी चीज का, है ना, तो वो वहां पे अप्लाई करें 5 सीट्स के लिए और ये अहमदनगर में। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दोस्तों मार्केटिंग के लिए, मार्केटिंग के लिए फर्नीचर का मार्केट करना है और उससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स है इंटीरियर डिजाइनर के लिए वो अगर आपको है उसमें आप अपना स्किल दिखा सकते हो तो अप्लाई करें। अकाउंटेंट के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए जिसको PA PSIC। ऑफिस असिस्टेंट के लिए आपको गुड कम्युनिकेशन स्किल, फॉलो अप नॉलेज ऑफ एक्सेल, बैक एंड सेल्स एक्सपीरियंस चाहिए। मतलब ये पोस्ट इस तरह से होगा कि कोई कंपनी से कोई चीज अगर बाहर जाती है तो आपको उसका फीडबैक लेना है, सेल किया है उसका पेमेंट नहीं है उसका फीडबैक आपको लेना है, चीज में कुछ प्रॉब्लम है गारंटी वारंटी उसका फीडबैक आपको लेना है, मतलब बैक एंड सेल्स एक्सपीरियंस वो अगर आपको है दैट इज दैट उसको आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इसके लिए नॉलेज ऑफ एक्सेल मतलब आपको पूरा एक शीट बना के रखना पड़ेगा, आज कंपनी से इतना सामान हमने इतना भेजा, इसमें प्रॉब्लम आ गई, इसमें सर्विस देनी है, इसमें मेंटेनेंस करना है, ये सारा काम रहेगा ऑफिस असिस्टेंट का। ऐसा नहीं कि आपको बैठ के काउंटर का ही काम करने का लेटर टाइप वो नहीं रहेगा, क्योंकि जहां उन्होंने लिखा ये अगर आप काम कर सकते तो जाओ तो अप्लाई करो, सिंपल काम कर सकते हो ऑफिस निकले अप्लाई मत करो। प्रोडक्शन सुपरवाइजर का सेम है, आपको बी डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग चाहिए अगर आपका है आपको, लेकिन ड्राइंग रीडिंग आना चाहिए, प्रोडक्शन प्लानिंग आना चाहिए, सुपरवाइजर रिपोर्टिंग आना चाहिए। मतलब आपको प्रोडक्शन सुपरवाइजर के साथ में ऐसा नहीं कि जाके सब आपको लेबर हैंडलिंग करना, जो मशीनरी है उसकी ड्राइंग आपको आना चाहिए, जो सेटअप है प्रोजेक्ट सेटअप है उसके अंदर थोड़ा सा नॉलेज चाहिए, उसका सुपरवाइजर चाहिए और उसको रिपोर्टिंग आपको करनी है। सो इसके लिए आपको अगर थोड़ा सॉफ्टवेयर है थोड़ा सा नॉलेज है ऑटो कैड का वगैरह तो ये आपके लिए एडवांटेज होगा तो आप उसमें जा सकते हैं। कारपेंटर ITI फिटर का भी वो है, अगर आपको फर्नीचर असेंबली का अगर आपको काम आता है तो आप उसमें अप्लाई जरूर करें। जितने भी कैंडिडेट्स है सभी पोस्ट के लिए आपके पास आपका खुद का गाड़ी होना जरूरी है, अगर आपका खुद का गाड़ी है तो आप ओम मेक इंजीनियरिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है औरंगाबाद में, आप पुणे के हो, नासिक के हो, सातारा, सांगली, महाराष्ट्र के कहीं के हो, ये चीज आपको है। सो जरूरी नहीं है कि आप अभी पुणे में, तो पुणे में अगर आपको खाली है कहीं काम नहीं मिल रहा है तो ओमेक इंजीनियरिंग में निकला है वहां अप्लाई करो औरंगाबाद में, क्योंकि क्या होगा कि आपको लगता है तो आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आप खाली नहीं रह पाओगे, पेमेंट चालू रहेगा और कई बार आप अप्लाई करो तो आप बोलेंगे कि मैं यही काम कर रहा हूँ यहाँ पे मेरा सर्विस चालू, यहाँ मेरे को 10,000 मिलते सो अगला आदमी आपको पैसा ज्यादा देगा। मान लीजिए आप खाली बैठे हैं आपके पास काम नहीं है तो वो फिर जिस कीमत में चाहे आपको वो हायर कर सकता है, तो ये चीजें कभी भी ध्यान में रखना, कंपनी मैटर्स करती है जगह नहीं है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दोस्तों फिर से टीचर्स के लिए, इसमें PRT TGT PGT टीचर्स है और ये सभी अकोला में है, प्रभात किड स्कूल से अकोला में, अकोला में जो रेसिडेंस है वो यहाँ पे अप्लाई करना चाहते तो BA DMED और जैसा मैंने अभी कहा टीचिंग के लिए क्या जरूरी है किस तरह से अप्लाई करना है वो पूरी चीजें यहाँ पे है। आपको मेल करना है PrabhatKids@gmail.com पे। अकोला के लिए फिर से बात करेंगे दोस्तों जूनियर एग्जीक्यूटिव इवेंट्स बुलढाणा रीजन के लिए ये, और मशीन हेल्पर चाहिए खास अकोला के लिए लोकमत ग्रुप, लोकमत यूनिट बहुत बड़ा यूनिट है, बहुत अच्छा सर्कुलेशन है इनका, यहाँ पे अगर लाइव बनाना है तो आप एक बार लगे तो बाद में छोड़ने की आपको दिक्कत नहीं आएगी, इस तरह की ये
प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज है, लोकमत इज वेरी गुड ग्रुप। सो आप यहाँ पे अगर अप्लाई करना चाहते हैं एज ए फिटर, तो आपको 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑपरेशन और मेंटेनेंस सेक्शन का, ऑफसेट प्रिंटिंग रिलेटेड मैटर का, ठीक है। फिर जूनियर एग्जीक्यूटिव इवेंट्स अरेंज करना, इवेंट मैनेजमेंट वगैरह आपने कहीं इंस्टीट्यूट में कहीं अगर किया तो ये बेस्ट है, और वो भी बुल्ढाना में। अगर नहीं किया तो यहाँ पे एक आपने कोई ये देखा होगा कि फ्रेशर में आल्सो अप्लाई, अगर आप फ्रेशर है जूनियर एग्जीक्यूटिव इवेंट्स में, मतलब मान लीजिए आपने एमबीए मार्केटिंग फाइनेंस जो भी एचआर में अगर किया, लेकिन आपको इसमें इच्छा थी जाना मीडिया में जाना है, कैरियर बनाना, तो बेस्ट है बॉस दोस्तों फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं जैसा उन्होंने कहा है। सो आपको अप्लाई करना है admin.akl@lokmat.com। नेक्स्ट जॉब की तरफ हम लोग चलेंगे दोस्तों, ये है अद्वैता स्कूल ऑफ एक्सलेंस। इसमें भी पीआरटी टीचर, पीआरटी और ऑफिस असिस्टेंट चाहिए स्कूल के लिए, अकाउंटेंट का भी रिक्वायरमेंट है, जिसको एम कॉम बी कॉम टैली एक्सपीरियंस अगर है, नॉलेज है, तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। ऑफिस असिस्टेंट का काम ये रहेगा कि डेली एडमिशन की एंट्री करना, फिर बाकी जो काम होते हैं वो लेटर टाइपिंग करना प्रिंसिपल के लिए, वो काम यहाँ पे आ सकते हैं स्कूल में। सो बेस्ट है, छुट्टियाँ बहुत रहती, अप्लाई करो। principal.advaita2019@gmail.com में आपको अप्लाई करना। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दोस्तों आरसी पोस्टेड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। मैथ्स के टीचर्स के लिए कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का 3 पोस्ट है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं careers@rcpit.ac.in पे। ये थे दोस्तों आज के जॉब्स, और इस तरह से जॉब्स के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए। हर कमेंट्स कीजिए, कमेंट्स में आप आपके जो क्वेश्चन है वो आप लिख दीजिए, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैं अगले वीडियो में उसको लेके आऊंगा और बताऊंगा कि इसके लिए क्या करना चाहिए, इसी सबसे प्रॉब्लम आता क्या करना चाहिए, मतलब जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन है। लेकिन लाइक सब्सक्रिप्शन जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों वॉचिंग के लिए, धन्यवाद।